जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपकी गुरु भाभी बिल्कुल बहुत अच्छी है। आप कमेंट में पूछते हो, गुरु माँ कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपको आपका राशिफल बताती रहती हूँ तो और अच्छी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने जीते जी कुछ लोगों के काम आ पा रही हूँ। तो आज का जो राशिफल है 13 मई से 19 मई तक का होगा। सभी चीजों पर प्रकाश डालेंगे कि क्या होने वाला है, इसलिए देरी नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली अनुसार जो सटीक राशि है, चंद्रमा जिस राशि में बैठे वो आपकी राशि है उसके अनुसार देखिए। अगर आपको राशिफल सूट नहीं कर रहा है तो हो सकता है आप अपनी गलत राशि देख रहे हो। राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं, उससे भी जरूर मैच करेगा। कुछ लेडीज कह रहे हैं कि गुरुमा आप केवल पुरुषों के लिए बताते हैं, स्त्रियों के लिए भी राशिफल बताएं, तो ये सभी के लिए लागू है। बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, और पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए, सबके लिए राशिफल समान रूप से लागू होता है। चाहे आप वर्किंग है, चाहे नॉन वर्किंग है, सबके लिए है। तो ऐसा नहीं है मैं किसी को छोड़ करके बोल रही हूँ। हाँ, मैसेजेस कई बार बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, क्योंकि इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरे इंट्यूशन में, मुझे आभास में जो भी दिखाई देता है या जो भी पता चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कई बार ऐसी चीजें हैं कि कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा होता है, क्योंकि आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो आपके लिए मैसेज जरूर होगा कोई ना कोई। तो कई बार ऐसे स्पेसिफिक मैसेज हो सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए हो, लेकिन मोस्टली ये जो राशिफल है आपसे जरूर ही मेल खाएगा। बाकी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे सिद्ध दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार लगता है, बिल्कुल निशुल्क लगता है, कोई फीस नहीं है। टोकन की भी कोई फीस नहीं लगती, मंत्र सिद्धि करने की भी कोई फीस नहीं लगती। कुंडली ही नहीं देखेंगे, आपको उसका उपाय भी करके देंगे, और कोई भी छुपी हुई फीस नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना। क्योंकि अगर सब कुछ अपने जीवन में त्यागने के बाद मुझे ऐसे ही कुछ छुपा के करना हो तो उसका तो कोई लाभ नहीं है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर ही एक हॉल्ट आएगा। मतलब एक चीजें जो है वो बड़ी स्टॉप हो कि पॉज हो कि रुक रुक के इसी तरीके से होंगी। ना तो आपको लगेगा पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ना प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा कंफ्यूज सा लगेगा जैसे कुछ कर ही नहीं पा रहे, लाइफ में आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, किसी चीज की वेट कर रहे हैं, किसी प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, या किसी से कम्युनिकेशन करने की वेट कर रहे हैं कि सामने वाला आपसे कोई बात कहे या आपसे कम्युनिकेट करे, तो उसमें भी पॉज होगा। तो ये पॉजिंग का पीरियड ज्यादा है जहां हर चीज में आपको लगेगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत स्टैग्नेशन सी फील हो सकती है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के पड़ोसी जो है वो उनको परेशान कर सकते हैं। कुछ पैरों से संबंधित पता नहीं क्या दिख रहा है, कुछ कोई लड़ाई जैसे पैरों से संबंधित हो रही है, या तो आपके पैरों की आवाज ज्यादा हो रही है, या आपके पैर गंदे उनके घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ है जिसकी वजह से एक तो पैर दिखाई दे रहे हैं, दूसरा पड़ोसी आपसे लड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय में अगर आपके बाल जो है वो बाल झड़ ज्यादा रहे थे और आप अपने बालों की केयर नहीं कर पा रहे, तो इस समय में आपके बाल जो है वो काफी मजबूत हो जाएंगे। आप उनकी केयर करेंगे, कुछ तो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो हो सकता है इस हफ्ते आप अपना समय जो है अपने बालों की तरफ दें, उसकी केयर करें, जिसकी वजह से बाल आपके काफी स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो चीज आपको हर्ट कर रही होगी उसके आगे निकल करके आप किसी तरीके से उसको यूज करते दिखाई दे रहे हैं। अगर मतलब किसी कोई व्यक्ति आपसे कुछ गलत बात बोल रहा है, आपको हर्ट करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आप उसके अंदर भी कोई अवसर खोज लेंगे कि कैसे मैं इस बात को ऐसे करूं कि जिससे मुझे इससे प्राप्ति हो जाए। कुछ मतलब नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जहां से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से इस समय में आपका जो हफ्ता है वो यू टर्न ले लेगा। इस हफ्ते में कुछ लोग अपने लिए कुछ ड्रेसेस ले सकते हैं, कुछ अपनी आंखों के लिए स्पेक्टिकल्स वगैरह ले सकते हैं, ग्लासेस ले सकते हैं, कुछ स्पेशल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आईज को टेस्ट कराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा मुझे रिलक्टेंट होते दिखाई दे रहे हैं कि आपके घर वाले आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ करने को कह रहे हैं, लेकिन आप उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा ही उसको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी नेचर इस समय में रह सकती है।
सिद्ध दरबार में आने से बहुत से लोग के साथ बहुत से चमत्कार हो रहे हैं। शनिदेव भगवान की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इस भक्त के साथ क्या चमत्कार हुआ, चलिए जानते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। मेरा प्रिय यूट्यूबर्स, मेरा नाम जो है उदय शंकर शाह है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और मैं बेंगलोर होकर के दिल्ली पे आया हूँ माँ का यहाँ। यहाँ पे जो उपलब्धियाँ मुझे मिला है, यहाँ माँ का अच्छी सेवाएँ है, कोई पैसा वगैरह या दक्षिणा नहीं लिया जाता है, जो भी बताया जाता है 100% 100% सही होता है। मैं यूट्यूबर से निवेदन करता हूँ, जिनका पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो, हायर एजुकेशन लिया हुआ विद्यार्थी, सर्विस ना मिल रहा हो, कोई प्रमोशन नहीं, कोई किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, तो कृपा करके यहाँ आकर के गुरु माँ से मिले, उनका आशीर्वाद ले और अपना प्रॉब्लम को समाधान करें। कुछ लोगों का मन इस समय में भक्ति से बिल्कुल विरक्त हो सकता है, आपको भगवान पे जैसे विश्वास ही नहीं रहेगा, आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे वो बड़ी बोझ सी लग रही है कि बहुत सारे मंत्र शुरू कर लिए हैं, बहुत सारी अलग अलग पूजा पाठ कर रहे हैं आप, तो ऐसा बोझ सा आपको फीलिंग हो सकता है। तो हो सकता है उसमें से कोई आप कोई पाठ करना या कोई मंत्र करना कम कर दें ताकि आपके सर का जो बोझ है वो कम हो जाए। कुछ लोग इस समय मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो मुझे बारात ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ता देखने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ है या फिर आप किसी और रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो कुछ लेकर के जा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है, कोई शगुन वगैरह कोई अच्छी शुभ चीज आपके हाथ में है और आप उसको कहीं और लेकर के जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कोई दूसरे सिटी में आप जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं या गांव जा रहे हैं, कहीं आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा उसको कैसे डील करना है, क्या करना है, तो ये हफ्ते में आपको कोई ऐसी ब्रेक थ्रू मिल सकती है जिसकी वजह से आपका जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, सामने वाला जो है वो कमजोर हो जाएगा, कोई ऐसा आपको या तो लूप होल मिल सकता है, ऐसा कोई क्लॉज मिल सकता है, ऐसा कोई रूल पता चल सकता है, कुछ है जो आपको पता चल रहा है जिसकी वजह से आपका केस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस समय में थोड़ा आलस ज्यादा रहेगा, नींद ज्यादा आपको आएगी, आपका उठने का मन नहीं करेगा, काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी आपके आसपास एक्टिविटीज हो रही हैं आप उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे और अपने आप में ही रहेंगे। आंखों का ख्याल रखिए, आंखों के बारे में ज्यादा दिख रहा है कि आंखें आपकी जल रही हैं, आंखों में आपकी जलन हो रही है, आंखों में से पानी गिर रहा है, आंखों बहुत ज्यादा हीटेड लग रही हैं, रेड भी हो रही हैं कुछ लोगों की, तो आंखों का केयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय बहुत से लोग गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पूरा हफ्ता उनका कोई किसी गेम में ही निकलने वाला है, या तो कोई नई गेम आपको मिलने वाली है, कुछ बहुत ज्यादा गेम में आप ध्यान लगाते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। और चीजों को इग्नोर करने की वजह से ना ये जो हफ्ता है इस हफ्ते में कुछ चीजें आप मिस कर जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान बाहर भी लगाओ, अंदर ही घर में नहीं आपको ध्यान लगाना चाहिए, या जो चीजें आपको फन देती हैं सिर्फ उसी में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप सोशल होंगे तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना दिख तो ऐसे रहा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आपका ये हफ्ता ये सप्ताह बहुत अच्छा जाए ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, कोई दिक्कत आपको ना हो, प्रभु की कृपा आपको मिलती रहे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।